नमस्कार, नीरजास किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम मिल्क शेक। इसमें हमने जो जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो देख लीजिए। हमने ली है स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम और हमने कुछ आइस क्यूब्स लिए हुए हैं। ये हमने स्ट्रॉबेरी क्रश लिया है और करीब हमने 1.5-2 गिलास के करीब दूध लिया है। चिल्ड दूध होना चाहिए, एकदम ठंडा। और हमने ये सोडा लिया है, आप किसी भी कंपनी का सोडा ले सकते हैं। और 3-4 चम्मच हम इसमें शक्कर डालेंगे, क्योंकि दूध वगैरह डालने से थोड़ा सा मीठापन कम आ जाता है। ज्यादा शक्कर ना डालें, क्योंकि सोडा भी मीठा होता है और क्रश भी मीठा होता है और आइसक्रीम भी मीठी है। तो शक्कर आप हिसाब से ही डालिए, जितना मीठा पसंद हो। तो ये सारी सामग्री को हम मिक्सी के बड़े वाले जार में डाल लेंगे, आइसक्रीम को, दूध को, आइस क्यूब्स और स्ट्रॉबेरी क्रश भी डाल देंगे। आप क्रश की जगह स्ट्रॉबेरी सिरप भी ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। या फिर यदि आपके पास में फ्रेश स्ट्रॉबेरी है या फिर आपके पास में फ्रोजन स्ट्रॉबेरी है तो आप उनको भी लेके ये बना सकते हैं। अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी नहीं है तो आप इस तरह से क्रश या स्ट्रॉबेरी सिरप का यूज कर सकते हैं। तो यदि आप इस तरह से फ्रोजन स्ट्रॉबेरी या फ्रेश स्ट्रॉबेरी इसमें मिलाते हैं तो आपका शेक और गाढ़ा हो जाएगा। यदि आप और गाढ़ा करना चाहते हैं तो आप इसमें दूध कम कर दीजिए और आइसक्रीम ज्यादा कर दीजिए और फ्रूट पल्प ज्यादा कर दीजिए, तो अच्छी गाढ़ी शेक तैयार होगा। वैसे इतना अपन जब सोडा डालते हैं तो इतना पतला शेक पीने में मजा आता है। तो देखिए, हमारा शेक बनके तैयार हो गया है और इस तरह से शेक को बनाइए, पीजिए और एंजॉय कीजिए। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर बनता है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले बार फिर किसी नए वीडियो के साथ में। एक बार और जाते जाते प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।